चलो नागपूर पेन्शन जनक्रांती मोर्चा। मित्रांनो, जो कोणी घरी राहला त्याला घ्यायला मी येणार आहे बरं। हा 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 हा, यम हय हम नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। एनएमओपीएस महाराष्ट्र द्वारा आज नागपुर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए उकार भरी। नागपुर की सड़कों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी भी इस रैली में शामिल हुए और कर्मचारियों को शिक्षकों को उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया। या मागणीला शिवसेना पूर्ण पाठिंबा देते आणि तुम्हाला प्रत्येक पावलावरती शिवसेना सहकार्य करेल। काल आपली चर्चा झालेली आहे। वहीं पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन का ये अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि तीन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार आने की संभावना थी, वहां पर जो है बीजेपी ने सरकार बना ली है। छत्तीसगढ़ जहां पर बीजेपी की सरकार बनी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर पुरानी पेंशन बहाल की गई थी। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी सरकार आ जाने के बाद अब वहां पर पुरानी पेंशन लागू नहीं रहेगी। इसी को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है और जगह जगहों पर पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एनएमओपीएस महाराष्ट्र के द्वारा नागपुर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक जनसैलाब उपड़ पड़ा। नागपुर की सड़कों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। इसी भीड़ इसी रैली को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी यहां पर आए थे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से इसे पेंशन जनक्रांति महामोर्चा के नाम से संबोधित किया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, विजय कुमार बंधु और अन्य नेताओं के अधिवासन के बाद कर्मचारियों ने विधान भवन की ओर यहां पर कूच किया। सभी कर्मचारियों ने मिलकर वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली। आपको बता दें कि एनएमओपीएस की महाराष्ट्र इकाई द्वारा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के बैनर तले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एनएमओपीएस व राज्य अध्यक्ष वितेश खाणेकर के नेतृत्व में ऐतिहासिक व विशाल पेंशन जनक्रांति महामोर्चा कानपुर में यहाँ पर हुआ।